आपने ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बात रखने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, बोलिए बोलिए प्लीज। अब बैठो भाई, बैठ जाओ। जीवाराम जी की रोटी क्या यार। आदरणीय सभापति जी, जब से प्रदेश में कृपलानी जी सुनिए, जब से प्रदेश में 8 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार और ऊर्जा विभाग, अब सुनो तो सही, सरकार और ऊर्जा विभाग, अजी सुनो, रिश्ता ही बता रहा हूं मैं, पुराना रिश्ता बता रहा हूं कि सरकार और ऊर्जा विभाग, सरकार और ऊर्जा विभाग का दोनों का पावर मैनेजमेंट पटरी से उतर गया और दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रहा। आदरणीय सभापति जी, जिस तरह गांव वालों को पता नहीं चलता कब बिजली जा रही है कब आ रही है, उसी प्रकार सरकार के मंत्रियों के पास अघोषित पावर कट चल रहा है। आदरणीय सभापति जी, प्रदेश की जनता को बिजली समस्या के निवारण के लिए यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पावर है किसके पास। प्रदेश में पावर के सब सेंटर बहुत बन गए। सीएमओ कह रहा है मैं पावर का सब सेंटर हूं, एक तरफ सीएस कह रहा मैं पावर का सब सेंटर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी दिल्ली से चाबी इधर राजस्थान में आई नहीं, पर्ची आई नहीं। आदरणीय सभापति जी, पिछले 10 वर्षों में लगातार, अभी जीवाराम जी बात कर रहे थे, नेहरू जी का नाम ले रहे थे, एक तरफ विकसित भारत की बात कर रहे थे, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों से ये भागते नजर आ रहे हैं। विश्व में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में भारत का 117वां स्थान है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछली सरकार ने राज्य में सोलर नीति लागू करने के लिए 11,000 मेगावाट सोलर की स्थापना की थी। मैं आपके माध्यम से सरकार के मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गरीबों को फ्री बिजली दी जाए। आदरणीय सभापति जी, मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि टेबल पर रखा पेन उठाते क्यों नहीं, प्रदेश को बिजली नहीं दे पा रहे ये बताते क्यों नहीं। और जब हम पूछते हैं, हमारे किसान भाई पूछते हैं कि किसान बिजली मांगते हैं, तो ये कहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। हमारे पढ़ने वाले जो नौजवान बच्चे बिजली मांगते हैं तो ये कहते हैं कि भारत विकसित हो रहा है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारे उद्योग के लिए व्यापारी बिजली मांगते हैं तो ये कहते हैं कि देश में डबल इंजन की सरकार है, लगातार जनता को गुमराह करने का काम आप लोग कर रहे हैं, बिजली के लिए इस प्रदेश पूरा त्राहिमाम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, पिछले 6 महीने से अघोषित बिजली कटौती से किसान और उद्योगों के दोनों में उत्पादकता की कमी आई है और डिस्काम के जो हाल है वो देखे नहीं जाते। आदरणीय सभापति जी, मेरा किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो मार्बल एरिया में पावर बढ़ाकर, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द नए जीएसएस स्वीकृत करें। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर लोड नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए अत्यधिक भार के कारण वो ब्लास्ट हो जाते हैं, रात भर बिजली नहीं आती, लोग परेशान होते हैं। हमारे किशनगढ़ विधानसभा में घरों के ऊपर 11,000 की लाइन जा रही है, लोग उससे भी बुरी तरह दुखी हैं। आदरणीय सभापति जी, व्यापारियों को क्या मिला? व्यापारियों को इस सरकार से नोटबंदी मिली, व्यापारियों को GST मिला, व्यापारियों को फिक्स चार्ज मिला, सर चार्ज मिला, ट्रिपिंग मिली, व्यापारी कह रहे हैं। और मैं जब बाहर निकलता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप बिजली दिन दे रहे हो। मैंने कहा जी हम कहाँ से दें, सरकार तो सामने बैठी है, सत्ता पक्ष सामने बैठा है कि वो तो आरोप आप पे लगा रहे हैं। मैं सभापति जी, मेरे सत्ता पक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ, मोदी जी से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी से आपको सीखना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष से आरोप लगाने के बजाय अपनी अंतर आत्मा में देख के झांकना चाहिए कि आज किसान किस प्रकार से बिजली के लिए तड़प रहा है। आज वो नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, रात भर लाइट नहीं आती, वो तड़प रहे हैं, किसान तड़प रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी, ऐसा फेलियर पिछले सरकार का। सम्मान्य